गणेशा फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे हमेशा मैं हेलो फ्रेंड्स से अपना किचन स्टार्ट करती हूँ। आज मैं खम्मा गणेशा से क्यों कर रही हूँ। आज मैं राजस्थान की फेमस डिश घेवर जो बना रही हूँ। इसको सावन के महीनों में बनाया जाता है और अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षाबंधन पे वहाँ पर स्पेशल बनाया जाता है। तो आज मैं आपको घेवर कैसे बनाया जाता है वो बना के दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं हमारा घेवर कैसा बिल्कुल जालीदार बना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए ये घेवर बनाएंगे तो बिल्कुल आपके घेवर हलवाई जैसे बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर भी कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हम रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर से थोड़ा ऊपर दूध लिया है, क्योंकि ये मेरा गाय का दूध है इसलिए उसको गाढ़ा होने में थोड़ा ज़्यादा दूध लगेगा। आप अगर भैंस का दूध यूज़ कर रहे हो तो आप आधा लीटर दूध ले लीजिए, इनफ हो जाएगा। अब हम इसका दूध का उबाल आने देंगे। इसे बीच बीच में हिलाते रहिएगा। हमारा ये दूध में उबाल आ चुका है, अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। तो जब तक ये रबड़ी टेक्सचर में नहीं आ जाता है तब तक हमको इसको बॉईल करना है। गैस को हम बिल्कुल लो कर लेंगे ताकि ये बाहर ना निकल जाए। यहाँ पे हम 2 चम्मच शक्कर मिला रहे हैं। और 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी रबड़ी बन चुकी है, हमको इस स्टेज पे गैस को बंद कर देना है क्योंकि हल्का सा ये ठंडा होगा, उसके बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तब हम गैस बंद कर देंगे। घेवर की चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जितना मैदा लिया था 1 कप, उतनी ही 1 कप शुगर ली है। तो हम यहाँ पर गैस ऑन कर लेंगे और उसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और शक्कर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। हमारे यहाँ पर शक्कर मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर आप अवॉइड भी कर सकते हो, किसी किसी को इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं होता है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। और 1/2 छोटा चम्मच रोज़ वाटर, यहाँ पे मैंने गुलाब जल लिया है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो रोज़ वाटर भी यूज़ करोगे तो इससे भी आपको इसका टेस्ट अच्छा आएगा। हलवाई लोग जो रहते हैं वो केवड़ा एसेंस या गुलाब जल ऐसा एसेंस डालते रहते हैं तो उससे उसका टेस्ट अच्छा आता है। अब यहाँ पे हमारी चाशनी बन चुकी है, अब हम गैस बंद कर देंगे। मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह से तार बनना चाहिए, तो हमारी चाशनी बनके रेडी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम घेवर बना लेते हैं। घेवर बनाने के मैंने यहाँ पे 1/3 कप घी लिया है। आप अगर स्पून से देखेंगे तो ये 2-3 चम्मच कुछ हमारा घी रहेगा। अगर आप वेट से देखेंगे तो ये कुछ 45-50 समथिंग घी लिया है मैंने यहाँ पे। बहुत ही कम घी में हमारे ये घेवर बन जाएंगे। अब इस घी में हम ये मैंने यहाँ पे 4-5 आइस क्यूब लिए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो मिक्सी में पीसने के बाद आप देख सकते हैं हमारा ये घी पूरा जम चुका है। ये काम हम हाथ से भी कर सकते थे बट हाथ से हमको ज़्यादा टाइम लगता है, मिक्सी में ये वो जल्दी हो जाता है। अब हम यहाँ पर 1/2 कप बिल्कुल ठंडा मिल्क डालेंगे। हमने यहाँ पे ठंडा दूध लिया है तो आप भी ठंडा ही दूध लें और इसको एक बार फिर से मिक्सी में चला लें। यहाँ पे हमने घी और दूध को भी अच्छे से ये ग्राइंड हो चुका है तो आप देख सकते हैं ये। अब हम यहाँ पर 1 कप मैदा डालेंगे। मैंने मैदे को अच्छे से छान लिया था। अगर आप इसका मेजरमेंट करेंगे तो ये लगभग 120 से
25 ग्राम होगा। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे और मिक्सी में चला लेंगे। हमने आधा मिलाया था, बचा हुआ मैदा भी हम इसमें डाल के एक बार और मिक्सी में अच्छे से स्मूथ इसका बैटर बना लेंगे। बचे हुए मैदे के साथ हम यहाँ पर एक टेबल स्पून बेसन लेंगे और एक टी स्पून लेमन जूस, नींबू का रस, इन दोनों को साथ में ही डाल के हम अब हमने यहाँ पे पूरा मैदा पीस लिया है। अब देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में आ चुका है। हमको यहाँ पर अब फ्रिज का ठंडा पानी लेना है, हमको ठंडा पानी ही लेना है। ठंडा पानी इसलिए लेना है, इसका रीज़न मैं आपको जब बनाऊंगी तब बताऊंगी, तो आपको देखकर आइडिया लगेगा। अब हम फिर से एक बार पीस लेंगे। हमको यहाँ पर बिल्कुल पतला बैटर चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको मिक्सी में अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। हमको बिल्कुल ऐसे पतला रनिंग बैटर चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारा ये बैटर बनके रेडी हो चुका है। हमको बिल्कुल ऐसा रनिंग कंसिस्टेंसी के साथ बैटर चाहिए। आप देखिए ये, तो इस टाइप से आप ये बैटर को रखना। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बैटर को हमको पहले हम इस बॉटल में भर देंगे ताकि हमको डालने में इजी रहेगा। अगर आपके पास ऐसी बॉटल नहीं है तो आप स्पून से भी थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। अभी हम इसमें भर लेंगे। मेरे पास यहाँ पर दो बॉटल थी तो मैंने दोनों बॉटल में इसको भर के रख दिया है। अगर आपके पास बॉटल नहीं है तो आप बर्तन के नीचे आइस क्यूब रखें, एक बाउल में आइस क्यूब रखें और उसके ऊपर बैटर वाला बाउल रखें, या फिर आपको थोड़ा बाहर निकाल के रख दे और थोड़ा फ्रिज में रखे। हमको ये बैटर ठंडा ही चाहिए। तो अब हम यहाँ पर ये बॉटल्स को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे जब तक हम हमारा ऑयल या घी गर्म करेंगे। मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है। बर्तन आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आपके पास लेंथ उसकी अच्छी हो और डीप हो, आप डीप बर्तन ही लीजिए, क्योंकि जब हम डालते हैं ना तो वो उफन के बाहर आता है, इसलिए डीप बर्तन लीजिए। आप डीप बर्तन कुछ भी ले सकते हो, चाहे तपेली लो, कुकर लो या इस टाइप का कुछ पेन लो, आप कोई भी डीप बर्तन ले सकते हो और उसको हमको आधा भर देना है। मैंने यहाँ पर घी लिया है, आप चाहो तो ऑयल भी ले सकते हो। अब हम घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और फिर अच्छे से गर्म होने देंगे। गैस को हमको फुल ही रखना है, इतना फुल भी नहीं रखना है कि उसकी फ्लेम बाहर निकले। आप देख सकते हैं हमारा घी अच्छा गर्म हो चुका है। अभी हम धीरे से ये बैटर इसमें डालेंगे। चिल्ड वाटर डालने का रीजन यही रहता है कि अच्छे से इतना अच्छे से जाली बने। आपको देखकर आइडिया लग गया होगा मैंने डीप बर्तन इसलिए ही बोला था ताकि ओपन के बाहर ना आए। फ्रेंड्स सब जब भी बैटर डालें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालें, बिल्कुल कम नहीं डालें। जब घी बैठने लगे हल्का हल्का फिर इसको मिक्स करते हुए, अभी घी बैठा नहीं है, अभी घी बैठने लगा, अब हम इसको इस पर मिक्स करते जाएंगे, एक के ऊपर इसे ऊपर करते जाएंगे ताकि हमारा घेवर अच्छा ठीक बने। अगर इस तरह से हम नहीं करेंगे, फोल्ड करते हुए इसको ऊपर नहीं करेंगे तो घेवर पतला बनेगा। इस तरह से इसको धीरे धीरे ऊपर लाते जाएं। फिर बिल्कुल अच्छे से घी बैठ जाए उसके बाद हम फिर से डालेंगे। मैं आपको जो फ्रेंड्स छोटी छोटी बात बता रही हूँ आप ध्यान रखोगे तो आपका घेवर बहुत ही अच्छा बनेगा। अभी हल्का हल्का घी बैठने लगा, अब हम इसको फिर से इसके ऊपर इस तरह से
करते जाएंगे। इसमें होल करना भी बहुत जरूरी है, वरना घी वो बाहर नहीं आता है और उसके ऊपर अच्छे से नहीं लगता है। इस तरह से आप चेक कर ले ये हो गया है या नहीं। अगर हल्का हल्का भी नरम लग रहा है तो आप इसको नहीं निकालें। ये हमारा अच्छे से हो चुका है, तब हम यहाँ पे निकाल लेंगे इसको धीरे से। इस तरह से आप सारे घेवर बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार बना के दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया लग जाए। आप चाहो तो स्पून से भी थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो। तभी हमारा हो चुका है, हम घेवर को धीरे से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं अब जितना उसको ज्यादा क्वांटिटी में डालोगे उतना आपका घेवर मोटा बनेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करते डालते जाइए और इकट्ठा करते जाइए तो आपका घेवर अच्छा मोटा बनेगा। हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब फ्रेंड्स हम ये घेवर को इस चाशनी में डिप करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा घेवर कितना मोटा और जालीदार बना है। आप चाहो तो चाशनी इसके ऊपर भी डाल सकते हो और इस तरह से डीप भी कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए इसे डीप रहने देंगे और फिर पलट देंगे। तो हम यहाँ पर पलट देंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा घेवर अच्छा मोटा है इसलिए हम इस तरह से थोड़ी अंदर भी डाल देंगे ताकि उसके अंदर तक पूरे अच्छे से चाशनी आ जाए। अब हम इसको निकाल लेंगे और अब हम रबड़ी वाला घेवर बनाएंगे। इस तरह की प्लेट लेकर उसके ऊपर इस तरह से स्टैंड रख लें और ताकि एक्स्ट्रा चाशनी जितनी भी है वो निकल जाए। अब हम फ्रेंड्स ये रबड़ी लगाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको भी चाशनी में डीप कर दिया था, ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप दूध में थोड़ी सी शक्कर और डाल देंगे तो आप डायरेक्ट इसको रबड़ी में ही खा सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो इसको चाशनी में डीप कीजिए, वरना नहीं कीजिए। रबड़ी से ही इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा। अब हम यहाँ पर रबड़ी लगा देंगे। हमने यहाँ पर रबड़ी अच्छे से लगा दी है। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा घेवर बनके रेडी हो चुका है। ये रबड़ी वाला अगर आपको नहीं करना है तो ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो उसको रबड़ी में भी खा सकते हो और आप चाहो तो उसको चाशनी में डिप करके भी खा सकते हो। दोनों में आपकी चॉइस है आपको किस तरह से खाना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमारे जाने का टाइम आ चुका है। अब हम मिलेंगे फिर हमारे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।